तो वासिम नाज़मी साहब आपसे ये उम्मीद नहीं है, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, अपनी ज़ुबान संभाल कर आप बात कीजिए, मुसलमानों में हौसला पैदा करने का काम कीजिए, इसलिए कि हौसला पैदा करने की जिम्मेदारी आप पर इसलिए बनती है कि आप एक जिम्मेदार। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के एमआईएम के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब के पास। सर, हम इस वक्त हम आपके पास इसलिए आए हैं, आज पूरे शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक बहुत गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कारण यह है कि समाजवादी पार्टी के जो एमएलए हैं अवासिम साहब, उन्होंने एक अजीब गरीब बयान दिया है कि अगर आपको मुस्लिम कायदा चाहिए, यानी बतौर खास मुसलमानों को अगर मुस्लिम कायदा चाहिए तो आप पाकिस्तान चले जाए। एक अजीब सूरत हाल है साहब, हमारे पास संविधान है, लोकशाही है, उसमें इस तरह का सवाल आना या कुछ बातचीत आना बड़ा अजीब हंगामा का है, जिसके पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है बतौर एक शहर सदर के? देखिए सर, अबू आसिम आजमी साहब महाराष्ट्र के एक बड़े नेता है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने ये जो कहा, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये उनकी गद्दी की मजबूरी है, सत्ता में रहने की मजबूरी है, ये अपने सियासी आकाओं को कुछ करने की ज़रूरत है। एक वक्त था जब वो अबू आसिम आजमी खुद जो है तो एक मुस्लिम क़्यादत बनकर उभरे थे, और आज भी वो समाजवादी के महाराष्ट्र में एक मुस्लिम क़्यादत की हैसियत से पहचाने जाते हैं। लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम क़्यादत की ज़रूरत है, तो भिवंडी और वो जहाँ से मेंबर असेंबली चुने गए हैं वो अपना रेजिग्नेशन पेश करें और पाकिस्तान चले जाए, इसलिए कि वहाँ के मुसलमानों को जो है तो मुस्लिम क़्यादत की ज़रूरत थी। अबू आसिम आजमी साहब को क़्यादत करने के खायल नहीं है, अहल नहीं है, वो लीडर नहीं है, तो वो पाकिस्तान चले जाए। इस किस्म के अहमखाना बयान देने से जो है तो सीधा सीधा आप अपनी मिल्लत के साथ जो है तो नाइंसाफ़ी का काम कर रहे हैं, उनके हौसले तोड़ रहे हैं। इसलिए कि संविधान में हर इस मुल्क की हर समाज को, हर धर्म के लोगों को अपने अपनी क़्यादत को खड़े करने का पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए कि फितरी और नेचुरल बात है कि अगर आपके समाज का आदमी खड़े होगा तो पहले अपने समाज की बात करेगा, और जब समाज खड़ा होगा तो ये मुल्क और ये देश खड़ा होगा। तो अबू आसिम साहब का ये बयान कि अगर मुसलमानों को अपनी क़्यादत चाहिए तो पाकिस्तान चले जाए, ये नहायत ही अहमखाना बयान है, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। अबू आसिम साहब एक बड़े नेता है, उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि उनके एक एक लफ्ज़ की कितनी अहमियत है, और अगर वो वाकई मुलायम सिंह यादव साहब के इतने अकीदतमंद है तो महाराष्ट्र छोड़ दे, महाराष्ट्र में मुस्लिम क़्यादत का जो है तो ढिंढोरा पीटना छोड़ दे, वो यूपी चले जाए, यूपी जाके देखे कि उनको कितने यादव के वोट मिलते हैं, कितने जाटों के वोट मिलते हैं, कितने दूसरे समाज के वोट मिलते हैं। अबू आसिम साहब को अपनी हैसियत का अंदाज़ा होगा जब वो यूपी जाएंगे, या फिर जो है तो अपने मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलकर किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है तो इलेक्शन लड़ेंगे। अबू आसिम साहब को ये बात समझनी चाहिए कि जब वो इलेक्शन में खड़े थे तो उन्होंने मुसलमानों की पसमानदगी का रोना रोककर, बाबरी मस्जिद का रोना रोककर, उन्होंने जो है तो फसादात का रोना रोककर, रिजर्वेशन का रोना रोककर, शिवसेना और बीजेपी के जुल्म सितम का रोना रोककर मुसलमानों से वोट हासिल किए। क्यों वोट हासिल किए आपने मुसलमानों से? आपको चाहते थे कि मुसलमानों की रहबरी करे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की रहबरी करे। तो अब जब आप एक सत्ता में हैं, आप कहीं ना कहीं आपका समर्थन है आघाड़ी सरकार को, तो आप चाहते हैं कि आप उनकी नूर नज़र बने रहे। दूसरे, आपको असल खलबलाहट यह है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि अब इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एंट्री कर चुके हैं, और बहुत कामयाबी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। तो ये जो साला साल से समाजवादी ने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बेवकूफ़ बनाकर सत्ता का काम करते आई हैं, इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, और हमेशा इन्होंने वहाँ पर आज़म खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और अबू आसिम आजमी जैसे चेहरों का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। अब ये तमाम के तमाम चेहरे, इनके साथ क्या मामला रहा समाजवादी का, वो वहाँ के आम वोटर को समझ में आ गया है। लिहाजा अब अबू आसिम साहब जैसे आदमी को जो है तो इस किस्म के बयान देकर वहाँ के मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आजमी साहब आप समझ लीजिए, अगर आपको वाकई किसी गैर क़्यादत में रहने का इतना शौक़ है तो आप अपने आमदार एमएलएशिप से आप रिज़ाइन करें और आप मुलायम सिंह यादव साहब के अंडर में काम करें, वहाँ पर आपको अपनी हैसियत और औकात का अंदाज़ा होगा। आप ये मत भूलिए कि आपको आपके समाज ने वोट देकर आपको मेंबर असेंबली पहुँचाया है, आप उनकी वोटों की बुनियाद पर वहाँ गए हैं, और यह आपकी अखलाकी और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप उस समाज की बात करें, उस समाज को संविधान के दायरे में हक दिलाने की कोशिश करें। सर, हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर कुछ फिरका परस्त ताकतें जो चाहती है कि मुसलमान दूसरे नंबर के शहरी बन के रहे, तो क्या आपको लगता सर इनका ये बयान कहीं ना कहीं फिरका परस्तों की तर्जमानी कर रहा है कि हम फर्स्ट रहेंगे, आप सेकंड रहेंगे, आप दबके रहिए, आप सर उठा के बात ना करें?
देखिए, ये पाकिस्तान चले जाओ ये नारा हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जो है तो इस मुल्क की कट्टरपंथी ताकतों ने इस्तेमाल किया है। अब ये जुमला अबू आसिम साहब की ज़ुबान से निकलना, मतलब ये सीधी बात है कि ये उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। ये इस मुल्क में एक समाज है जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी का दर्जा रखता है, उसको अपनी लीडरशिप से महरूम करने का काम कर रहे हैं। तो क्या हम आदमी साहब ये समझे कि आप भी मिशन आरएसएस के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप वाकई मुसलमानों के हमदर्द है या आप सिर्फ नौटंकी कर रहे थे अभी तक? सर क्या ऐसा आपको लगता है कि सर जैसा यूपी में जो इंतखाबात सर के ऊपर है तो एमआईएम की मकबूलियत को देखते हुए एमआईएम को खत्म करने की साजिश के तहत ये बयान जारी किया गया हो? चाहे कुछ हो जाए, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन और भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब की मकबूलियत बड़ी तेजी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। और हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह फरवरी 2022 में कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटों पर अपनी कामयाबी दर्ज करवाएंगी और समाजवादी को अपनी हैसियत का अंदाज़ा होगा। अगर हम इनकी बात मान ले, ये जो है तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को वोट कटवा पार्टी कहती है, तो 2017 में तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का कोई खास रोल नहीं था। क्यों आपको ब्राह्मणों के, यादव के और जाट समाज के वोट नहीं मिले? क्यों आप सत्ता में नहीं आए? क्यों? तो आपको ने जिस आपने तमाम समाजों का सिर्फ जो है तो इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। अब आपको आपके मकाम पर पहुंचाने के लिए तैयार है और अब इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की वहां पर एंट्री हो चुकी है और जिस तरीके से हम लोगों का समर्थन देख रहे हैं, हमको पूरी उम्मीद है कि हम अच्छी खासी सीटें निकालेंगे इंशाल्लाह। सर हम देखते हैं कि जब भी अबू आसिम साहब स्टेज पे आते थे तो हमेशा ये कहते थे संविधान संविधान संविधान, और जिस तरह से उनका बयान आया है तो आपको नहीं लगता सर कि ये उनका बयान खुद अपने आप में संविधान के खिलाफ है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने बोले कि एक तो उनकी सियासी आखाओं को खुश करने की ये कोशिश है, दूसरी महाराष्ट्र में अपनी छवि को जैसे तैसे आघाड़ी सरकार में बिन बुलाए मेहमान की तरफ पहुंचना और वहां पर उनका साथ देना, उद्धव ठाकरे साहब के फैसलों को, आघाड़ी सरकार के फैसलों का समर्थन करना, तो ये कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि अबू आसिम साहब में वो बात नहीं रही जो 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी। अब वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने घुटने टेक दिए इस देश के दुश्मनों के सामने, इस देश को तोड़ने वाली ताकतों के सामने। अगर वो वाकई मर्द मुजाहिद पहले वाला अबू आसिम आदमी होता तो इस किस्म की जुबान, इस किस्म के अल्फाज उनकी जुबान से नहीं निकले होते। यानी कि ऐसा लगता है कि सर अबू आसिम साहब एक किसी के दबाव में शायद बयान दे रहे हो, आपकी बात से ऐसे लग रहा है, घुटने टेक दिए? मतलब बिल्कुल बिल्कुल घुटने टेक दिए, वरना एक जमाना था अबू आसिम आदमी साहब का, महाराष्ट्र में उनकी तोती बोलती थी। क्यों बचा नहीं पाए आप अपने एमएलए को? क्यों आप अपने नगर सेवक चुनकर नहीं ला पाए? आपके पास 8 से 10 मेंबर असेंबली हुआ करते थे। असल में आपकी अपनी कमजोरियां हैं और अब आप उसको जो है तो कौम के नाम पे डाल रहे हैं, दूसरी सियासी जमात के तौर पे, खासतौर से बिना नाम लिए कि उन्होंने कहा है कि आपको मुस्लिम क़यादत चाहिए तो आप पाकिस्तान चले जाएं, मतलब आपका इशारा मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की तरफ है। तो अबू आसिम आज़मी साहब आपसे ये उम्मीद नहीं है, महाराष्ट्र के बड़े नेता है, अपनी ज़ुबान संभाल कर आप बात कीजिए, मुसलमानों में हौसला पैदा करने का काम कीजिए, इसलिए कि हौसला पैदा करने की जिम्मेदारी आप पर इसलिए बनती है कि आप एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, आप एक क़यादत कायद है आप, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस किस्म के कमज़ोर और पसमुर्दा बयान देकर मिल्लत के साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। सर हमेशा एक आखिरी सवाल है सर, हमेशा फिरका परस्तों की तरफ से एक हिंदुस्तान के मुसलमानों पे एक कहा जाता है, ताना दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, कहने का अबू आसिम साहब का यह बयान कि वहाँ चले जाइए, यानी आप ये कह रहे हैं कि आप मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर से एक बार कहीं एक पार्टीशन की तरफ आपका जहन जा रहा है? सर अगले महाराष्ट्र इलेक्शन में अबू आसिम आजमी साहब पाकिस्तान के इस्लामाबाद या लाहौर से जाके इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ की असेंबली में रहेंगे, उनको यहाँ की असेंबली में नहीं जाना है क्योंकि तुम यहाँ के मुसलमानों को उनकी क़यादत नहीं चाहिए। अब उनको कायद बनने का शौक है तो उनको जाना पड़ेगा पाकिस्तान, यानी हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए बिल्कुल, उनको पाकिस्तान लाहौर असेंबली में बैठना है तो वहाँ से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब वो आसिम आजमी साहब को कायद बनने का शौक है तो, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुसलमानों को अब उनको कायद देखने का शौक नहीं रहा, लेकिन उनके पास तो शौक है कायद बनने का।